लवली पाइसेस मीन राशि, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरो 777। और मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपकी अगस्त माह की लव रीडिंग को लेकर के। तो यस, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आखिरकार हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हुए जोडियक साइंस की सभी रीडिंग कर चुके हैं और आज हम अपनी लास्ट रीडिंग कर रहे हैं पाइसियस। पाइसियस मेरी बहुत ही पसंदीदा जोडियक साइन है और इसका कारण ये भी है कि मैं खुद ही पाइसियस सन साइन हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी गाइडेंस मिलेगी कि आपकी मेरे लिए और आपके लिए क्या समानता है और मुझे क्या अगस्त की लव लाइफ में क्या कुछ मेरे लाइफ में आने वाला है। तो चलिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए जानते हैं पाइसेस की लव लाइफ में क्या आने वाला है अगस्त के मंथ में। शुरुआत करते हैं आपके कुछ ऑरेकल मैसेज से। डियर एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइसेस के लिए क्या है उनकी अगस्त माह की लव एनर्जीज, क्या है उनकी अगस्त माह की लव एनर्जीज। डियर एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है मूविंग ऑन का एंड नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए कॉलिंग बैक का एंड बॉटम में कार्ड है रोमांटिकिज्म। ओके, तो रोमांस भर के आ रहा है और जो पुरानी चीज़ें थी वो आपके लाइफ से मूव ऑन कर रही है। अब एक अकेलापन जो भी आपकी लाइफ में था, कहीं ना कहीं आप उस अकेलेपन को ख़त्म कर रहे हो और बहुत समय से अगर आप दोनों के बीच में दुनिया थी तो कॉलिंग बैक की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपको कॉल बैक कर सकते हैं। चलिए कुछ और ओरेकल मैसेज देख लेते हैं एंजल की तरफ से और इसके बाद में हम देखते हैं आपके ओवरऑल क्या एनर्जीज कहती हैं। तो सबसे पहले क्या हैं आपके और मैसेजेस, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा क्या है पाइसेस के लिए अगस्त के महीने में उनकी लव एनर्जीज। ट्रस्ट, डिसेप्शंस और बॉटम में कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप अपने एक्स में स्टक थे, आपको अपने एक्स से धोखा मिला था या धोखे के किसी तरीके शिकार हुआ है, उनका कोई ऐसा झूठ या ऐसी कोई चीटिंग आपने रिसेंटली पकड़ी थी और आप कहीं ना कहीं उसमें फंसे हुए थे कि मैं इसके साथ मूव ऑन करूँ या नहीं करूँ, तो क्लियर मैसेज है मूविंग ऑन, मूव ऑन कीजिए। ठीक है, आपके पर्सन को आप बार बार अगर रंगे हाथ से पकड़ रहे हो और वो आपका बार बार ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आपको अपने रिश्ते से बाहर निकलना है। बार बार उसे कॉलिंग बैक मत कीजिए। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी नए पर्सन के साथ जुड़ोगे इस अगस्त के महीने में, उसके बारे में जानोगे, उसके बारे में समझोगे, उसके लिए आपके लिए लाइफ में बहुत सारी रोमांटिक एनर्जी बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये हेल्दी लोगों के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप में जो हैं या नए क्रश का इंतज़ार कर रहे हैं, नए पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, नए पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री बहुत जल्दी होते हुए दिख रही है। और डिवाइन इनके लिए कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पे दिखा रहा है कि उनकी लाइफ में आते हुई दिख रही है और जो भी पुरानी चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही है, पुरानी चीज़ें जो भी ख़त्म थी वो ख़त्म हो रही थी। आपका दोबारा से ट्रस्ट जनरेट होगा, सही पर्सन के साथ जनरेट होगा, आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे जिसके साथ आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है, जिसको आप भीतरी रूप से जानते हो। मुझे यहाँ पे ऐसे भी बहुत से दिखाई दे रहे हैं लोग जो किसी पर्सन को सिर्फ दोस्ती के नज़रिए से देख रहे थे और अचानक से पता चलेगा कि नहीं, ये तो मुझसे प्यार करता था या उसके लिए उनके मन में ट्रू फीलिंग थी और जिसके साथ में ये कनेक्शन महसूस करते थे, जिसको ये क्रश महसूस करते थे, जिसे ये प्यार करते थे, वो इनका पार्टनर नहीं था, वो उससे एक्चुअल में प्यार नहीं करते थे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जैसे एक लव लाइफ को लेकर न्यू रियलाइजेशन आपको महसूस होगा। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं एंजल ऑरेकल मैसेज क्या कहते हैं, सॉरी एंजल टैरोट मैसेज आपके लिए क्या कह रहे हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स
गाइड कीजिएगा, क्या है मैसेजेस आपके लिए अगस्त के महीने में। ये एंजल टैरोट डेक बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही एनर्जेटिक है, और मैं प्रेयर करूँगी कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, उनकी तरफ से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आए। इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और कमेंट में 1111 ज़रूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं क्या है आपके लिए अगस्त के महीने में एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है आपका फायर ऑफ माइकल। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपने चीटिंग को रिसेंटली महसूस किया है, चीटिंग की एनर्जी बहुत हैवी रही है। इसने आपको बहुत दिल से तोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा आपको तोड़ दिया है। आपको आपके पर्सन की बहुत याद आ रही है, जो भी आपके एक्स है उनकी बहुत याद आ रही, समझ नहीं पा रहे हो कि कैसा क्या हुआ, कैसे हुआ, अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया। द स्टार, होप रखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें सुधर रही हैं। न्यू विजन से चीज़ों को देखिए, एट ऑफ राफेल, और अगेन मूव ऑन का कार्ड है, बॉटम में कार्ड है फोर ऑफ राफेल। पुरानी चीज़ों में स्टक होने से क्या फ़ायदा, ठीक है, पुरानी चीज़ों में स्टक होने से क्या फ़ायदा, जो चला गया सो चला गया, ठीक है, उसको उसके कर्मा पे छोड़ के उसको मूव ऑन कीजिए, उससे बाहर निकलिए। आपके लिए कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपका इंतज़ार कर रहा है, कोई है जो आपके पीछे इंतज़ार कर रहा है, आपको याद कर रहा है, वो आपको इमोशनली सपोर्ट करना चाहता है। उसको मौका दीजिए कि वो आपको सपोर्ट करे। यहाँ पे होप दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। अगर आपको लव लाइफ में कोई होप नहीं बची थी, तो कोई ना कोई पर्सन है जो आपके लिए एक बड़ी होप लेकर के आएगा। बस प्यार को थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलिए। प्यार को हासिल करना प्यार नहीं होता है, प्यार को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना कि ठीक है तुझे जहाँ खुशी मिलती है तू वहीं खुश रहे, ये भी एक प्यार है, ठीक है। अपना दृष्टिकोण चेंज कीजिए, प्यार को हासिल करना प्यार नहीं होता है। और वो खास करके जो आपको बार बार रेड फ्लेक्स दिखा रहा है, जो आपको बार बार दिखा रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और आपको भी रिलेशनशिप में रख के या फिर दूसरे साथ में भी कनेक्शन में था, तो कहीं ना कहीं उसमें प्यार था ही नहीं। तो नए पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है, इसके साथ आपका रिनाइटी है, इसी के साथ आपका कनेक्शन है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आओ, दोबारा से ट्रस्ट जनरेट करो। इस पर्सन के साथ ही आपकी लव रिलेशनशिप आगे बनती दिख रही है। मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग कहीं बीच पे मुलाकात कर सकते हो, किसी नदी किनारे आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, ठीक है, किसी पहाड़ी इलाके पे भी आपकी मुलाकात हो सकती है, सी बीच पे हो सकती है, पहाड़ी इलाके पे हो सकती है, या नदी किनारे आपकी मुलाकात अपने पर्सन के साथ हो सकती है, जो आपको यकीन दिलाएगा कि आप प्यार के काबिल हैं। अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं तो प्यार के काबिल नहीं रहा, मैं तो ऐसे ही हूँ, तो ये आपको विश्वास दिलाएगा कि आप प्यार के काबिल हैं। ये जो पर्सन छोड़ के आपको गया है, यही आपको डिजर्व नहीं करता था, यही डिजर्व आपको नहीं करता था, तो क्यों इसके लिए रोना, क्यों इसके लिए परेशान होना, है ना। चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। रिजेक्टेड मत महसूस कीजिए अपने आप को। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने आप को रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो प्यार के मामले में, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मेरे साथ ही ऐसा गलत होता है, लोग मुझे ही छोड़ के जा सकते हैं, जब मुझे सब कुछ ठीक लगता है तब सब कुछ मेरे साथ गलत हो जाता है। तो यहाँ पे अपने आप को रिजेक्टेड नहीं महसूस कीजिए। आप भी स्टार हो, आप लकी हो, सबसे पहले बात याद रखो, लकी हो। अगर किसी ने आपको ठुकराया तो उसने नहीं आपको ठुकराया है, बल्कि उसकी किस्मत ने उसको ठुकराया है, ठीक है। तो अपने आप पर विश्वास बना के रखिए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है कार्ड्स कहते हैं डिवाइन एंजल्स, क्या कार्ड्स कहते हैं डिवाइन एंजल्स, क्या कार्ड कहते हैं आपके लिए, क्या है डिवाइन एंजल्स मीन राशि के लिए अगस्त के महीने में, क्या और एनर्जीज हैं, क्या लव एनर्जीज हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड है आपके लिए द फूल की एनर्जी, थर्ड कार्ड है आपके लिए एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट वन आपके लिए है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में कार्ड है द लवर्स का। माय गॉड, न्यू पर्सन के साथ में आप अटैच हो रहे हो जो कि आपका रियल सोलमेट है। इस न्यू जर्नी में आपको निकलना है, पेशेंस रखना है अपने आप को। करियर में जो भी आप करना चाहते हो वो करिए, इस रिलेशनशिप में जो आप बनाना चाहते हो, जिस चीज़ में आपकी गलतियाँ उसको रिव्यू कीजिए, आगे बढ़िए।
मुझे यहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एनर्जी बनते हुए दिखाई दे रही है अगस्त में, और ये बोल रहा है कि अगस्त में आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होना है, एक नई जर्नी में स्टार्ट होना और एक नए रिलेशनशिप की ओर आगे बढ़ना है। अपने पर्सन की तरफ डेडिकेटेड होइए, जो आपका रियल सोलमेट है, ना कि उसकी तरफ जो आपका कर्मिक है, जो आपके साथ कमिटेड है उसके से तरफ बढ़िए। प्यार उससे कीजिए जो आपको प्यार करता है, प्यार उससे मत कीजिए जो आपको छोड़कर किसी और से प्यार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कमिटेड पर्सन के साथ में कमिटेड रहिए, ना कि रेड फ्लैग्स के साथ में। मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए और मटेरियल चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप को इंडिपेंडेंट ऊर्जा में बनाइए। ठीक है, आपका पर्सन आपको बहुत चाहता है, बस कहीं ना कहीं वो कह नहीं पा रहा क्योंकि आप अभी तक एक्स पे अटके हुए हो। ठीक है, एक्स से बाहर निकलिए। ठीक है, तो यस मीन राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।